सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है शहजाद फैमिली व्लॉग में। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। सो गाइस, आप सभी को 17वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। एंड गाइस, अम्मी ने मेरा स्कार्फ पहने है एंड मैंने ये वाला दुपट्टा पहनी ना, बहुत फिसलता है ये सर के ऊपर से, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए गाइज, आज अम्मी बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी। सो अम्मी क्या बना रहे हैं, मैं बिना बात किए, बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को ले चलती हूँ अम्मी की रेसिपी की तरफ। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो वेलकम हो गया सैजाद फैमिली ब्लॉग में। तो गाइज, कैसे आप लोग? आप लोग रोज़े कैसे जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप लोगों को 17 रोज़ा मुबारक है ना। आज 17 रोज़े हो गए गाइज, कैसे चले गए पता ही नहीं चला है कि नहीं। गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है कि नहीं। कोई बात नहीं, थोड़े दिन और सही है ना। तो मैं आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के साथ, दही बड़े की। तो आप लोग कमेंट भी किए थे कि दही आंटी दही बड़े की रेसिपी दो। तो चलिए आज मैं छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ दही बड़े की, और मैं कैसे बनाती हूँ वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि अम्मी की रेसिपी में क्या क्या लगेगा। देखिए गाइज, मैंने 1.25 किलो उड़द की दाल ली हूँ। मैंने उसको 4-5 घंटा पहले मैंने भिगा दी थी इसको। अच्छी हमारी दाल भी माशाल्लाह दिख चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग रात भर चाहे तो रात भर भी भिगा सकते हैं इसको। हमारी दाल अच्छी भीग गई है 4-5 घंटे में। देखिए ये सफ़ेद उड़द की दाल है, सफ़ेद वाली दाल, सफ़ेद वाली उड़द की दाल है, काली होती है, एक सफ़ेद होती है। मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए निकाल के रखी थी कि आप लोगों को दिखाऊंगा इसी वाली दाल होती है ना। फिर आप लोग बोलेंगे आंटी कौन सी दाल है, इसके लिए मैं पहले से निकाल के रख दी हूँ दाल, सफ़ेद वाली दाल है ना। तो मैंने 1.25 किलो भिगाई हूँ, हमारी दाल अच्छे से भीग गई है। अभी हम इसमें पीस लेंगे। पीसना कैसा है आप लोगों को भी बताती हूँ कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसना है, हमें एकदम ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना है। अगर हमारी दाल में पानी लगता है तो आप लोग डालिए, नहीं लगता है तो मत डालना है ना। एकदम थोड़ा थोड़ा सा ज़रा ज़रा पानी डालना, एकदम ऐसा नहीं कि हम आधा गिलास डाल के पीस लिए पानी पानी हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसना, तब इसमें पीस लेंगे अम्मी थोड़ा थोड़ा। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा डाल के उसको, जैसा भी हमारी दाल को अगर पानी लगा हमारी पीसे नहीं जाएगी, तो हम हल्का सा पानी डालेंगे, वो भी ठंडा पानी डालना, थोड़ा थोड़ा पानी है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके, तो देखिए मैंने छन्नी में रखी हूँ, पानी नहीं धरने के लिए, देखिए पानी नहीं चलेगा, मैंने छन्नी में डाल के रखी हूँ। तो चलेगा ये सब, पहले हम इसको पीस लेते हैं। अच्छे से बारीक पीस के ले ली, आप लोग देख सकते हैं है ना। मैंने हल्का हल्का सा पानी डाली हूँ इसका, देखिए आप लोग पेस्ट कितना गाढ़ा गाढ़ा है ना। तो ऐसा ही अभी सारा पीस के ले लेते हैं पहले हम। सारी उड़द की दाल अभी और इतनी रखी हुई है, हाँ ये भी हमने अच्छे से पीस के ले लिए, सेम ऐसी ही जैसे ये पीसी है। हाँ चलो, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बारीक पीसना है। चलो थोड़ा पीस के लेते हैं। देखिए गाइस, मैंने अच्छा बारीक पीस के ले ली, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसमें जरा भी पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसी, ज़्यादा नहीं होता कि हमारा पेस्ट कितना गाढ़ा है ना। तब इसको हमको कम से कम 10 मिनट तक उसको अच्छे से खूब अच्छे से फेंटना है। 10 मिनट तक उसको अच्छा फेंटेगी, जितना हम अच्छा फेंटेंगे उतने हमारे दही बड़े अच्छे बनेंगे। भैया मैंने 200 ग्राम दही ली, दही को भी मैंने फेंटी हूँ, देखा आप लोग देख सकते हैं। और इसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली, शक्कर डाल के मैंने इसको फेंट के रखी हूँ, अच्छे से फेंट के। ये मैंने हरी चटनी बनाई हूँ, हरी चटनी मैंने ली पुदीना कोथमीर हरी मिर्ची लहसुन और नमक, नमक डाल के मैंने पीस ली। और ये जीरा ली हूँ, नमक, अभी आपको दिखाऊंगी और क्या क्या कैसा लगेगा आगे जो लगेगा अभी अम्मी बताएगी। साथ ही साथ अभी अम्मी इसको अच्छे से फेंट के ले लेंगे 10 से 15 मिनट है ना अम्मी। इसको अच्छा फेंटना है, मैं अच्छा फेंट के ले लेती फिर आप लोगों से मिलूंगी। देखिए गाइस, मैंने सिर्फ अभी 5 मिनट इसको मैंने फेंट के ले ली हूँ। अभी इसमें पहले नमक भी ऐड करेंगे ना, अभी नमक डालने के बाद हम फेंटेंगे उसको। तो गाइस बहुत ताकत चाहिए इसको फेंटने के लिए। मैं फेंट रही थी तो अम्मी बोले ला मैं फेंटती हूँ। 1 चम्मच नमक, कोई ज़्यादा ना हो जाए बस थोड़ा सा ही है कि नहीं। और 1 चम्मच जीरा। तो अब इन सारी चीज़ों को वापस से मिक्स करेंगे। मैं फेंट रही थी तो अम्मी बोले रहने दे तू, ला मैं फेंटती हूँ, बहुत ताकत चाहिए इसके अंदर। तो आएगा ये फेंटने के लिए क्योंकि बहुत सच में बहुत उसको जोर जोर से करना पड़ रहा है। देखिए माशाल्लाह अभी कितना अच्छा फेंट के मैंने कर ली, अब इसको और फेंटना है ना। जितना हम फेंटेंगे हमारे बड़े इतने ही अच्छे बनते हैं। यस, इसको फेंटने से तब इसको और अच्छे से कितना में 5 मिनट तक ना, 5 मिनट फेंटी अभी और 5 मिनट फेंट लेती हूँ। यस, तो इसको भी अम्मी अच्छे से और 5 मिनट तक फेंट के लेते हैं। आप लोग हाथ से ही फेंट सकते हैं, क्योंकि मैं हाथ में ना वो चिकट चिकट होता है ना इसका दाल का, तो इसलिए मैं चम्मच से ही फेंट लेती हूँ, फटाफट हो जाएगा। चम्मच ना टेढ़ा हो जाए वो, नहीं चम्मच टेढ़ा नहीं है।
चले 5 मिनट तक फेट के ले लेते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। इसमें ना क्या बोलते हैं, सोडा नहीं डालेंगे हम, फेटने से हमारा काम हो जाएगा। अगर सोडा डालेंगे तो ये ढीला और हो जाएगा। अच्छा। तो हम बिना सोडे के बनाएंगे हम बड़े, समझे? इसलिए मैं अच्छा फेट रही हूँ उसके, ताकि हमारे दही बड़े जो है एकदम अच्छे एकदम नरम नरम बनेंगे। बस देखिए 10 से 12 मिनट मैंने अच्छे से इसको फेट के ले ली। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने तेल भी डाली, कम से कम मैंने पाव किलो के ऊपर तेल ली तलने के लिए, हमारे बड़े तलने के लिए पाव किलो के ऊपर तेल है। तेल भी हमारा गर्म हो गया है और थोड़ा सा पहले हम हाथ में लगा लेंगे पानी, पानी लगा लेंगे और फटाफट उसको छोड़ते रहेंगे। गैस कर ली थी मैंने, गैस को स्लो कर ली थी, डाल लेंगे इसमें ऐसा। मैं छोटे छोटे ही बना रही हूँ, आप लोग बड़े चाहे तो बड़े बनाइए। माशाल्लाह देखिए है ना, ऊपर आ गए आ जाते एकदम से ही। आराम से आग होगा, तेल गर्म है अम्मी। हाँ तेल बहुत गर्म हो गया है, मतलब है गर्म ही रहना चाहिए ताकि फटफट वो नहीं कि फ्राई हो जाए, फ्राई हो जाए। बट आराम से करो गैस, आप लोग भी ध्यान से करना, ऐसा ले लेने का ऐसा हाँ। छोड़ देने का। माशाल्लाह कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए गाइस मेरे बड़े अपने आप ही पलट रहे हैं, देखिए सब अपने आप ही पलट चुके हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग है ना, एकदम फुल 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 हो गए। नहीं तो मैंने इसमें सोडा डाली, मैंने तो मैं कुछ डाली, देखिए आप लोग देख सकते हैं। मैंने एकदम छोटे छोटे बनाई हूँ है ना, कि बच्चे लोग आराम से खाए। और आप लोग को अगर बड़े लेना है तो आप लोग बड़े भी बना सकते हैं, बड़े चाहिए तो आप लोग बड़े लीजिए, छोटे बनाना तो नहीं, छोटे क्या खाने में थोड़ा अच्छे लगते लगते हैं, बड़े बड़े नहीं होंगे इसलिए मैं। माशाल्लाह देखिए आप लोग कितने अच्छे फूले फूले हो गए, एकदम फूल फूल के एकदम ऊपर ही आ गए है ना। जैसे आप जितना हम बोले ना फेटेंगे उतना हमारे बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग जरा सा भी फेटेंगे और डाल देंगे तो हमारे बड़े ना अंदर ही टूट जाएंगे, तो उसको अच्छा माशाल्लाह इसको लाल कलर आने तक उसको फ्राई करेंगे। थोड़ा लाल कलर आएगा ना तो हम निकाल लेंगे इसको। गाइस हमारे बड़े बन के हो गए तैयार, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। आप लोग देख सकते कितना अच्छा कलर आया इसका, मस्त। अभी हम इसको आराम आराम से गैस स्लो करके, मैंने जो पानी रखा है ना, मैंने एक टोप में मैंने पानी लिया कटोरे के अंदर, तो हम ये कटोरे के अंदर डाल देंगे गरम गरम। बिस्मिल्लाह, ये नॉर्मल पानी है अपना, हाँ इतना ठंडा ना कुछ, एकदम सादा पानी, नॉर्मली पानी जो रहता है ना अपना। हाँ। वो है आराम से आराम, बहुत छीटा उड़ रहा है गाइस इसका मतलब तेल का, तो एकदम ध्यान से करना आप लोग भी। आराम आराम सारे निकाल लेते हैं। देखिए गाइस मैंने थोड़ा सा ये बड़े जो पानी में डाल के रखी है उसको 5 मिनट तक हम भीगने देंगे, तो बाकी के सारे बड़े तल के ले लेते हैं ना। देखिए माशाल्लाह पूरे बड़े मेरे कितने फूले फूले एकदम ऊपर आ गए, अभी और बाकी ना थोड़े से, अभी थोड़े से और है कहाँ पे रखे वो ये रहे थे से और फ्राई करने के बाकी है गाइस। तो चलिए सारे बड़े ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखिए गाइस मैंने पानी में डाल के 5 मिनट रखी थी, तो अब इसका आराम आराम से इसका पानी इसको निकाल लेना है। तो मैंने सारे बड़े तैयार करके ले ली, तो आधे में दही बड़े बनाई और आधे बड़े हम लोग चटनी के साथ ऐसे ही खाएंगे। हाँ। तो अभी इतने के दही बड़े बनेंगे और वो बाकी का हम लोग ऐसे ही खाएंगे। हाँ, ऐसे ही खा लेंगे, अभी चटनी बनाएंगे मस्त खाएंगे, क्योंकि दही बड़े बच्चे लोग खाते नहीं खाते, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। अम्मी को पसंद है, हम लोग इतना नहीं खाते बट एक दो ऐसे ठीक लगता है, बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोग बताना कमेंट में किसको किसको दही बड़े पसंद है। तो इसको ऐसे ही निथार के पूरा बड़े ले लेंगे, पूरा एक थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए ना, नहीं पूरा ऐसा अपना वैसा पकड़ेगा तो खुद ही पानी निकल जाएगा, जोर से मत दबा देना नहीं तो पचका हो जाएगा। हाँ एकदम आराम से निकालना बस। चले सारे बड़े ऐसे ही निकाल के ले लेते हैं। देखिए गाइस सब मैंने पानी में से बड़े निकाल ली हूँ, जो हमने दही रखे थे एक बर्तन ले लेना है, और जो हमने दही फेंट के रखे थे तो दही थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, दही थोड़ा डाल देंगे ऐसा है ना। अम्मी तो आज एकदम खुश है क्योंकि अपनी ही फेवरेट डिश बनाया उन्होंने, मेरे अम्मी को बहुत पसंद है गाइस दही वड़े। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें डाल देंगे हम दही, चारों तरफ से दही को ऐसा लगा लेना है। बड़ा सा बर्तन लेना है आप लोग, तो दही वड़े बनाएंगे तो आप लोग बड़ा सा लेना, देखिए आप लोग हम इसमें डाल देंगे वड़े। बिस्मिल्लाह
करके जितने इतने बड़े आएंगे हम उतने डालेंगे, उसके बाद में इसमें और डाल देंगे दही। वेरी नाइस, बोलो वेरी नाइस। फिर इसके ऊपर डालेंगे और बड़े। जब हम खाना है तो हम दिल भर के खाएंगे, yes. है कि नहीं गाइस? क्यों छोड़े हम, जब बनाए हैं तो दिल भर के खाएंगे ना, अच्छे से खाएंगे, जरा सा दबा के खाएंगे, सबको पसंद आएगा ना, सब ऐसा आराम से रख लेंगे। एक इधर रख देंगे बस, अभी हमारे कटोरे में और नहीं आएंगे तो हम जितने आएंगे उतने ही इसमें ऐड करेंगे। फिर इसमें डालेंगे वापस से दही। आप लोग कैसा बनाते मुझे बताना। हाँ गाइस, आप लोग के घर में कैसे बनता है दही बड़े, है ना? ऐसे ही बनाते या कुछ अलग रहता है? सबका तरीका अलग अलग होता है गाइस, है ना, बनाने का। सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं अलग बनाती हूँ, आप लोग अलग बनाते हुए गए, है ना। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोग कैसे बनाए, और एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। सेम जैसा अम्मी ने बताया है ना। देखिए मैंने डाल दिए पूरे दही, मैंने दही को छोड़ी नहीं हूँ, थोड़ा छूट भी जाएगा तो मेरा बेटा खा लेगा अफ्तारी के बाद। शक्कर है इसमें, मिक्स है इसमें शक्कर। देखिएगा इसमें सब डाल दी, हम डालेंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हल्का हल्का सा। सारी दही अम्मी ने ऐड कर दी है आराम से, मिर्ची की बुक्की ने तोड़ेगी, पंखा चालू है। अब डालेंगे हम थोड़ा चाट मसाला, बिस्मिल्लाह। ओहो वेरी नाइस, है ना। थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे ताकि चटपटा लगे ना, तो चटपटा चटपटा लगे। अब डालेंगे हम हरी चटनी, क्योंकि मीठी चटनी तो हमने बनाई नहीं गाइस, है ना, तो हम इसी को चटपटा करेगा, इसको ही चटनी को। देखिए गाइस, है ना, माशाल्लाह। तो इसे आप कोतने भी चाहो तो ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, ताकि सर्व दिखे अच्छा सा, मतलब डाल सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए आप लोग, देखिए मेरे दही बड़े बनके हो गए तैयार। लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए मेरे आप लोगों को दही बड़े कैसे लगे, और आप लोग भी जरूर बना के खाइए। यस गाइस, बस अफ्तारी का वक्त भी होने आ गया है, हम अफ्तारी करने बैठेंगे तब आप लोग को बताएंगे कि दही बड़े कैसे बने। सो गाइस, हम बैठ चुके हैं अफ्तारी करने के लिए, माशाल्लाह। हमें दुआ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सुहान भी बैठा हुआ है, अरे हमारे रहे दही बड़े, इसको अम्मी ने रखे थे कहाँ, अम्मी फ्रिज में रखे थे, फ्रिज में रखे थे, अभी इसको जस्ट हमने फ्रिज से निकाले हैं, मस्त ठंडा। तभी रोज़ा खोलेगा तब हम खाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसा बना है। और ये बना ली अम्मी ने इसके बाकी के भजी, ये भी खाएंगे और आप लोग को बताएंगे कैसे लग रहे, ठीक है। सो गाइस, अभी अम्मी कर रहे हैं दही बड़ा टेस्ट, बोले चलो बच्चे लोग बोल रहे हैं टेस्ट कर लो, तो मैं थोड़ी ना अपने को, है ना, खाओ बताओ। मस्त जबरदस्त, मुझे भी चखाओ, अरे मुझे भी चखा दो, चखाओ। हाँ तो मैं भी तो टेस्ट करूँ ना। हनी वाले भजिए तो गाइस एकदम ऑसम बने हुए, मस्त लग रहे। हाँ बड़े, मतलब मूंग दाल के, उड़द की दाल के मैं मूंग दे, मस्त चटनी के साथ खाएंगे। अच्छा चले गाइस, अफ्तारी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, मैरी भी अभी दही बड़े ट्राई कर रही है, चख रही है, देखो उसको डकारे ले रहा है, और वहाँ पे अम्मी भी चख रहे हैं, मैंने भी चखी, अच्छा लग रहा है ना, मस्त नाइस, सच्ची
चलो खा लो गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना भी हो गया, इफ्तारी वगैरह की है, फिर खाना वाना बना लिया, उसके बाद मैंने कुछ शूट भी नहीं की, तभी बस जा रहे सोने की तैयारी कर रहे हैं, बिस्तर भी लग चुका है। तो आप लोग को दही बड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एंड गाइस आप लोग भी सेम रेसिपी ट्राई करना, एंड जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें और हमारे जल्द से जल्द 10K भी करा दें। सो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.